हेलो सर, मैं मगध यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ, मेरा रिजल्ट अपलोडिंग बता रहा। नमस्कार सर, मैं मगध यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट हूँ, मेरा रिजल्ट अपलोडिंग बता रहा। सलाम अलैकुम सर, मेरा रिजल्ट अपलोडिंग बता रहा, मैं पार्ट वन का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, कुछ ऐसे ही सवाल मेरे से पूछे जा रहे थे और मैं उन लोगों का जवाब देते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहा था और इसी कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल मैसेजेस किया है कि सर इस पे वीडियो बनाइए ताकि यूनिवर्सिटी को पता चल सके कि वे लोग कितना बड़ा गलती कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है स्टूडेंटों के भविष्य के साथ। तो सबसे पहले कुछ क्लिपिंग आया मेरे पास, उस आप क्लिपिंग को देखिए। ओके, मैं प्रवीण कुमार दीक्षित, बीएससी पार्ट वन फिजिक्स अनर्स 2017 का एग्ज़ाम दिया था। मेरा रोल नंबर है 1171207355। मेरा रिजल्ट 1 वीक से अपलोडिंग बता रहा है। मेरा नाम करण कुमार है, मैं एक ओरिएंटल कॉलेज पटना सिटी का छात्र हूँ। मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, मैं बीए पार्ट वन का स्टूडेंट हूँ। मेरा वीर रिजल्ट अपलोडिंग बता रहा है, बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे अपलोडिंग बता रहा है। प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं आगे क्या करूँ। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं पालीगंज रामलखन सिंह यादव कॉलेज के छात्र हूँ। मैं बीए पार्ट वन का एग्ज़ाम हिस्ट्री ऑनर्स से दिया था और मेरा रिजल्ट अपलोडिंग बता रहा है। ये मेरा पार्ट वन का रिजल्ट है, 2 बार हम दे चुके हैं, अब प्लस मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। और ये अब जब चेक कर रहे हैं नेट पे तो हमको ये अपलोडिंग दिखा रहा है खाली, और उसके बाद शो नहीं कर रहा है। देखिए, आप लोगों ने जो क्लिपिंग देखा होगा, अलग अलग जगह के अलग अलग स्टूडेंटों ने मुझे भेजा है, इनका प्रॉब्लम है। और ये कोई 4-5 जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, ये लिमिटेड स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी लोगों के साथ प्रॉब्लम है। लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने बोला था कि आप भी ऐसा कुछ वीडियो बनाओ। एक्चुअली मैं ये वीडियो सेंड करने वाला हूँ मगध यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर के, जिनका मैंने रिजल्ट नेट से निकाला है। उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह, बहुत ही अच्छे सर हैं, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन हैं और जितनी तारीफ किया जाए कम है। लेकिन थोड़ा सा क्या टाइम का प्रॉब्लम होता है, इस कारण स्टूडेंट लोग उनके पास कॉल करते हैं तो सही से वे बात नहीं कर पाते, क्योंकि अब उतने बड़े पोस्ट पे जाओगे। अब देखिए, मैं छोटा सा एक चैनल चला रहा हूँ, फिर भी मेरे पास कॉल मैसेज आता है तो मैं तंग हो जाता हूँ, रियली बता रहा हूँ। जब कोई ज़्यादा कॉल करता है जिसको लेकर के इरिटेशन होता है माइंड में, जिसको लेकर के मैं टेंशन में रहता हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम होता है। तो बस मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा सर, इसलिए आप सही से बात भी नहीं करते हैं लोगों से। लेकिन सर आपसे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कुछ अपडेट कर दो साइट पे, ताकि लोगों को पता चल सके आखिर इसका रियल क्या, या फिर कोई न्यूज़पेपर में छपवा दो, या फिर अपडेट ही साइट पे कर दो ताकि लोगों को पता चल सके, या फिर आप एक बार अपडेट कर दो तो मैं लोगों को बता दूंगा। जितने लोग मेरे से जुड़े हुए मगध यूनिवर्सिटी, कम से कम मेरे से 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट होंगे बिहार के, और मगध यूनिवर्सिटी का मैं नहीं बता सकता, फिर भी उसमें 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट मगध यूनिवर्सिटी के जरूर होंगे जो मेरे से लगातार कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। तो मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई अगर आपका रिजल्ट अपलोडिंग बता रहा है तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और किसी भी तरह से आप मगध यूनिवर्सिटी के एक एक वर्कर तक इस वीडियो को पहुँचाइए। आपका एमसी भी यही होना चाहिए और मैं ये वीडियो सेंड करूँगा जो आपका है एग्जामिनेशन कंट्रोलर मगध यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह जी सर, मैं उनको ये वीडियो सेंड करूँगा। और अगर वो वीडियो इसको देखते हैं तो अगर उनका डिसीजन कुछ आता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को अपने स्तर पर शेयर कीजिएगा ताकि मगध यूनिवर्सिटी के एक एक वर्कर तक चले जाए, ये लोगों को पता चल सके कि कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है भविष्य के साथ। इसमें देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जो स्टूडेंट पार्ट वन फेल किए थे, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट पार्ट वन फेल किए थे पिछली बार, और सब कुछ उनका क्लियर है, पार्ट थर्ड का फॉर्म फिलअप नहीं हो सकता, क्योंकि पार्ट थर्ड का फॉर्म वही फिलअप कर सकते हैं जो पार्ट वन में पास होंगे। इसी का मैंने रीज़न दिया था आपको, ऐसा कुछ हो सकता है, तो मुझे लगा था कि 7 तारीख से पहले आ जाएगा आपका रिजल्ट अपलोडिंग जो बता रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग तो फेल किए थे तभी उनके रिजल्ट नहीं आएगा तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, वे लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिर से आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को शेयर करने से मत रोकना इस वीडियो को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कर देना। ओके, धन्यवाद।